आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और आटे की बिल्कुल नई सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो कच्चे आलू का छिलका हटाकर पानी में भिंगो कर रख दिया था, अब इसे हम काट लेंगे। तो आलू सबको काटने आता है, लेकिन इसे मैं काट करके आपको दिखा दे रही हूँ कि कितने छोटे छोटे पीस में इसे हमें काटना है। पीसेज हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, मोटा या छोटा या बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए बराबर पीसेस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी आप आलू काटें उसके साइज़ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से हमने आलू को काट लिया, छोटे छोटे पीस में काटना है। आप कोई सा भी आलू ले सकते हैं, सफ़ेद या लाल, जो आपके पास अवेलेबल हो उस आलू को ले सकते हैं। सारे टुकड़ों को इस तरह से अलग कर देंगे। और यहाँ हमने दो से तीन आलू का प्रयोग किया, क्योंकि दो आलू जो हमने काटा तो बहुत कम लग रहा था, तो एक आलू को मैंने और ऊपर से एक्स्ट्रा छील करके उसे भी काट लिया है। इस तरह से सबको अलग कर लेंगे और इसे हम दो बार साफ पानी से धुल लेंगे, छलनी में छान लेंगे और इसके पानी को छान करके हटा देंगे, यानी कि आलू को सूखा कर लेंगे। अब इसी बाउल में हम डाल देंगे आधा कप गेहूँ का आटा और साथ में डाल देंगे आधा कप मैदा। तो अगर आपके पास मैदा नहीं हो तो चावल का आटा या बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती और इसके साथ हम डाल देंगे 7 से 8 कूटी हुई या क्रश की हुई काली मिर्च। सबको अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे। पहले सूखे आटे में 1 कप पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसे अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहें। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे फेंटते जाना है, यानी कि इसका बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से हमें पहले फेंट लेना है। अब मैं चम्मच से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पकौड़े का जो बैटर होता है ना उसी तरह से रखना है। और 1 कप पानी का प्रयोग हमने पूरा कर लिया है। अब इसे फूलने के लिए किनारे रख देते हैं। गैस चलाकर पैन गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और आलू को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर आलू को भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम 1 से 2 चुटकी सफ़ेद नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि बैटर में भी हमने डाला है। और इस तरह से सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुका है, आलू को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमें नॉन स्टिक पैन नहीं लिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे हम चेंज कर देंगे और इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ढकते रहेंगे, ढक्कन हटाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे ढक ढक करके पकाना है हमें। 1 से 2 मिनट तक ढकेंगे, ढक्कन हटाएंगे और इसे इस तरह से चला चला करके पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू पक गया है। इस तरह से काट करके पहले चेक कर लें। थोड़ा सा और भून लेते हैं आलू को, सबको बराबर कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम डाल देंगे ये आटे वाला बैटर। तो इसको हमने कप में एडजस्ट कर लिया है ताकि अच्छी तरह से इसे हम गिरा सकें। 1 कप डालेंगे, इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे हल्का हल्का हाथ से। आधा कप बैटर और बचा हुआ है, तो एक बार फैलाने के बाद अब हम आधा कप बैटर को फिर से इसके ऊपर से इस तरह से फैलाएंगे, यानी कि आलू को पूरी तरह से बैटर से कवर कर देना है, ढक देना है। और इस तरह से पलटे से हम थोड़ा सा किनारे किनारे कर देंगे और इसके ऊपर ये गोल गोल स्लाइस में कटा हुआ टमाटर के पीसेस को लगा देंगे। तो 5 से 6 या जितना पीसेस आएंगे गोलाई में उतना हम लगा देंगे इस तरह से। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। थोड़ा सा ऑयल हम किनारे किनारे डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, पलटे से पहले इस तरह से चेक करेंगे। जैसे ये नीचे से थोड़ा सा कड़क हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। तो पलटे से इस तरह से नीचे तक आप चेक कर लें, अगर ये लूज रहेगा ना तो आप इसे ना पलटें या थोड़ा सा और इसे कड़क होने दें। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया, ये थोड़ा सा कड़क हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एक बर्नर पर हमने प्लेट रखा है और उसी में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है या पलट लिया है। अब इस जो
टमाटर का स्लाइस है ना, इसे हम कढ़ाई में इस तरह से नीचे लगा देंगे, सबको गोलाई में लगा देंगे और ये आलू वाले रोटी को इस तरह से पलट करके लगा देंगे, इसे बीच में कर देंगे और पलटे से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छी तरह से चिपक जाए। ढक देंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद इसे देखेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे किनारे से और कढ़ाई को झटकते हुए इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि तेल नीचे चला जाए। ढक देंगे और 2 मिनट के बाद इसे देखेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम यहाँ चीज़ के स्लाइस को रख देते हैं। तो इसकी जगह पर आप ग्रेट किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हमने स्लाइस में ही कटा हुआ चीज़ इस पर रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा ऑर्गेनो या पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। इस तरह से चारों तरफ से चटकते हुए गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि जब तक से चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब गैस ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से ढक देंगे। अब मैं आपके सामने ही प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये टूट सकता है या अलग अलग हो सकता है। आपको दिखाने के लिए ही गर्मा गर्म इसे मैंने प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया या पलट दिया। अब इसे पिज्जा कटर से मैं काट लेती हूँ, आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। कोई आपको टेंशन नहीं न बिखरने का न टूटने का। इस तरह से आप जितने पीस चाहें उतने पीस काट सकते हैं। इस तरह से अब मैं निकाल करके भी आपको दिखाऊंगी ये पीसेज कैसे निकलते हैं और कितने एकदम क्लीन निकलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कहीं से टूटा नहीं है, कहीं से फटा नहीं है और एक बराबर ये एक साइज से निकला हुआ है। जितने भी आप पीसेज चाहेंगे उतने पीसेज को आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे पीसेज को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा दूसरा पीस था। अब मैं इसे पलट कर भी आपको दिखाऊंगी। तो पलटे से इस तरह से मैं इसे निकाल ले रही हूँ और एक प्लेट मैंने लिया है, अब इसे मैं पलट देती हूँ। और ये देखिए नीचे से आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, टमाटर जला नहीं है, ब्राउन हो गया है और कड़क हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारा आलू पिज्जा बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल मार्केट स्टाइल से भी बेहतर घर पर। इसे और भी टुकड़ों में मैं काट लेती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल टेस्टी और बिल्कुल यमी स्वाद, ऐसा कि एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे, इतना ये टेस्टी लगता है। घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों को बनाकर आप खिला सकते हैं। जल्दीबाजी में अगर बाहर अगर आप कुछ नहीं खा पा रहे हो तो घर में ही इसे आप ट्राई कर सकते हैं। जितने पीस निकालेंगे बिल्कुल आपको क्लीन निकलेगा। और घर में रखे हुए आटे से, सूजी से, मैदा से या बेसन से इसे आप बना सकते हैं। तो ये हमारा आलू पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। नीचे से भी आप इसे देख सकते हैं ताकि आपको यह ना लगे कि नीचे से ये कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा, कुछ इस तरह का आपको शक हो। तो मैंने इसे पलट करके भी दिखा दिया। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कम समय में बन सकता है। और आपके पास जो भी सामान हो, आलू की जगह पर इसमें आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो इसमें आप डाल सकते हैं। बिल्कुल इजी वेग में बिल्कुल क्लीन पीस निकलेगा और टेस्ट कि आपको मार्केट का भी पिज्जा खाना भूल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आप हमको हमारी वीडियो देखते हैं तो इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से टाटा एंड बाय बाय।